डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम सौरभ शुक्ला, मैं मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूं एक ऐसा वीडियो जो आपको ऊर्जा से भर देगा, जुनून से भर देगा, आपके अंदर आग ही आग लगा देगा। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, मुझे एक बात पता है कि आपको चीखने की अनुमति है, रोने की अनुमति है, लेकिन हार मानने की अनुमति नहीं है। हो सकता है कि आज परिणाम आपके विपरीत रहे हों, हो सकता है परिस्थितियां विपरीत रही हों, हो सकता है कि आपको हार मिली हो, लेकिन कोई बात नहीं, हार जीत तो जिंदगी का उसूल है। आज हार है तो कल जीत होगी, लेकिन मैं तैयार हूं हर हाल में जीतने के लिए। आज मैं फिर से उठूंगा, एक नई कोशिश करूंगा, एक नया इंसान बनकर, एक योद्धा बनकर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे जीतना है। मैटर ये नहीं करता कि आप अब तक कितने सफल रहे हैं या असफल रहे हैं। मैटर नहीं करता है कि आपने जीवन में कितनी मुसीबतें झेली हैं। मुसीबतें तो हर इंसान झेलता है, लेकिन वही इंसान कामयाब होता है जो बाउंस बैक करना जानता है। और मुझे पता है कि आप बाउंस बैक करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप ये मत सोचिए कि मेरा समय गुजर चुका है, ये सोचिए मेरा समय शुरू हो चुका है। आपको बीते हुए कल को भूलना पड़ेगा, अपने अतीत को भूलना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टिव माइंड के साथ आना पड़ेगा, एक बड़ी सोच के साथ लड़ना पड़ेगा, दुनिया से युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करने के लिए तैयार हो तो यकीन मानो, दुनिया आपको कामयाबी देने वाली है। यदि ईश्वर ने आपको यह जीवन दिया है तो रोने के लिए नहीं दिया है, बल्कि ईश्वर ने यह जीवन इसलिए दिया है कि आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। और अपने आप से यह वादा करिए कि जब तक ईश्वर मुझ पे विश्वास कर रहा है सांसों के रूप में, तब तक मैं ईश्वर का विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मैं लड़ता रहूंगा, तब तक लड़ूंगा जब तक मुझे बड़ी कामयाबी मिल नहीं जाती। माय डियर फ्रेंड, एक बात याद रखिएगा कि बिना संघर्ष के इंसान अपनी जिंदगी में सरवाइव नहीं कर सकता है। एक दूध वाला था जिसके यहां बहुत सारे चूहे भी रहा करते थे। एक बार क्या होता है, वो जो दूध वाला होता है एक बर्तन के अंदर, बड़े बर्तन के अंदर वो दूध रख देता है, उसमें धोखे से कुछ चूहे उसमें आ जाते हैं। जब चूहे उसमें गिर जाते हैं, दो भारी चूहे होते हैं, डूबने वाले होते हैं, उनको तैरना नहीं आता, उसके आसपास के चूहे जो होते हैं देखने लगते हैं कि शायद इनकी मृत्यु हो जाएगी। वो तड़पते हैं, छटपटाते लगते हैं, दोनों तैरना कोशिश करते हैं। उस पतीले के ऊपर चूहा जो तैर रहा होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद एक चूहे की हिम्मत टूट जाती है और कहता है दूसरे चूहे से कि अब नहीं तैरा जा रहा है, लगता है मुझे मृत्यु आ गई है और मैं मरने वाला हूं। लेकिन दूसरा चूहा उसको समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, तुम लड़ो, संघर्ष करो, तुम जीत सकते हो। लेकिन उस दूसरे चूहे ने उसकी बात नहीं मानी। हुआ क्या, वो डूबकर वहीं मर गया। लेकिन जो दूसरा चूहा था वो तैरता रहा, तैरने की वजह से उस दूध में मक्खन बनना शुरू हुआ। जब मक्खन की परत बनी तो चूहा ऊपर आ गया, वो कूदकर बाहर निकल गया। माय डियर फ्रेंड, जिंदगी भी यही है, हमारे सामने मुसीबतें एक जैसी आती हैं, लेकिन जीवन की मझधार तभी पार होती है जब हम लगातार संघर्ष करते रहते हैं और हार नहीं मानते। आग लगा लीजिए आज कि आप तब तक लड़ेंगे जब तक आप जीत नहीं जाते, अपने सपनों को सच नहीं कर लेते। कह दो जमाने से कि अब ये कदम नहीं रुकेंगे, बहुत सह लिया लेकिन अब नहीं सहेंगे। माय डियर फ्रेंड, कह दीजिए जमाने से कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सौरव शुक्ला साइनिंग आउट।